हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शमा। और मैं शमा आफ्ताब अहमद। और आज बहुत दिन के बाद में ये व्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि मेरा मोबाइल हो गया था, बिगड़ गया था खराब। तो मैंने नया फ़ोन लिया है, रेडमी का नोट 10। बहुत ही अच्छा फ़ोन है और उसी से ये शूट हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी दोपहर के 3:15 हो रहे हैं और मेरा सडनली मन किया कि अरहम को बाहर पार्क में घुमा लाऊं। तो मैं, मम्मी और अरहम हम लोग जा रहे हैं पार्क। तब वो मैं वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिलती हूँ और सारा कुछ दिखाती हूँ। फिलहाल मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि मम्मी अरहम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी अपनी स्लीपर निकाल के सही, और अरहम अपनी टोपी और चश्मा निकाल के फेंक दिए, ये सब रेडी। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा गर्मी, और मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐसे झुमकी पहन लिया है और ये वाइट मुकेश का सूट और बस सिंपल। गर्मी बहुत हो रहा है, हम बहुत तेज चिल्ला रहे हैं। ओके, अब मिलते हैं आपको डायरेक्ट पार्क। तो यहाँ हम लोग बुद्धा पार्क आ गए। बेचता गर्मी, मुझे लगा था बंद ना हो, लेकिन यहाँ पे यार और वहाँ पे मम्मी आते ही ये बॉल ले ली। और यहाँ पे अरहम मम्मी आगे आगे जा रहे हो और मैं पीछे पीछे शूट कर रही थी। और यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा पार्क है ये। हम लोग एंटर होने के लेफ्ट हैंड साइड तरफ चले गए और सडनली अरहम को दिख गया बोट। यहाँ पे छोटा सा बोटिंग भी है, तो आप बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे। और कई सारे बोट चलते हैं यहाँ पे, तो अरहम देख के खुश हो गए। और ये माशाल्लाह तो यहाँ पे खूब खेलते हैं, लोगों को चिल्लाते हैं, डांटते हैं। इनके हिसाब से कोई काम अगर नहीं हो रही, यहाँ पे कोई दिख गया उससे हालचाल पूछ लेते हैं ये। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं अपना बॉल लेकर के, माशाल्लाह से खूब अच्छे से खेलते हैं। अभी इनको यहाँ पे इनकी एक फ्रेंड मिल जाएगी 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए वो उनकी फ्रेंड रहती है। और फिर ये यहाँ पर खेलने लगते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैटरी लग रही होगी, क्योंकि मेरी 3-4 दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर भी अब ठीक है, बट गले में थोड़ा सा भी खराश है, जिसकी वजह बैठा बैठा और जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी बैठी आ रही है फिलहाल। तो यहाँ पे थोड़ा डिज्नी का भी दिया हुआ है, झूले काफ़ी हैं, स्लाइडर है, 2-3 टाइप की स्लाइडर्स हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। पूरा आप फुल पार्क का, मतलब बच्चे यहाँ पर बहुत मज़ा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फन करते हैं। और बहुत ही अच्छा पार्क है, हमेशा इसमें हर एक दिन भीड़ लगी होती है। सामने बॉल है, बॉल फेस्टिवल के बाद अगर आप यहाँ पे चले गए तो फिर आपको जगह नहीं मिलेगी, मतलब इतनी रश रहती कि पीछे में। और यहाँ हम अपने बॉल से खेलते हुए आगे निकल गए। अभी मैं इनको आवाज़ दे के बुला लेती हूँ पीछे, तो ये आ जाते हैं। इनकी फ्रेंड थी अभी आपने, इधर इधर बाबू, यहाँ पे खेलते हैं थोड़ा सा। आते ही इनको बॉल पसंद आ गई, रेड कलर इनको बहुत पसंद है माशाल्लाह से, तो रेड कलर से ये अपना ले लिए बॉल और खेल रहे हैं। और अपनी बॉल रख के जहाँ पे इनको दिख रहा है कोई रेड बॉल या रेड बलून, तो उसको सोच रहे हैं ये इनकी बॉल है। यही चीज़ होता है यहाँ पे। और मैं यहीं पे बता रही थी कि अरहम थक गए हैं और अरहम और मम्मी रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ अरहम थक गए, मैं पूछती भी हूँ यहाँ पे कि अरहम आप थक गए हैं, अरहम आप थक गए हैं, लेकिन अरहम कुछ नहीं बोलते। मम्मी का फेस आप देख रही थी तो और ज़्यादा थकती थी। असल में धूप इतनी ज़्यादा हो गई जब हम लोग निकले 3:30 बजे, उससे पहले मौसम बड़ा अच्छा था तो, और धूप निकल आई जिसकी वजह से बेहद गर्मी। और यहाँ पे पार्क के पीछे रहता है चाट टिक्की, तो मम्मी ने खाया खस्ता, मैंने खाया टिक्की जो अरहम ने भी खाया। और इस झूले पे अरहम को 2 बार मैंने झूला दिया, फिर भी अभी को यहाँ पे झूलना ही था। और ये कैमरा मम्मी के हाथ में चला जाता है और मम्मी अपना इधर भी जा रहा है, वो अपना घुमाए जा रही है, घुमाती जाती है कहाँ पे चल रहा है। मैंने पूछा कैमरा ऑन है क्या, तो कह रही है हाँ, ये भी नहीं देख रही कहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे घुमा रही हूँ, यहाँ पे देखिए मैं इनको यहाँ पे गोल 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 घुमा रही हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद मैं खुद ही बैठ जाऊँगी इस पर, खुद ही बैठ कर खुद घूमूंगी। बहुत मज़ा आया यहाँ पर।
तो अब 6 बज गए, पसीना देखो कितना ज़्यादा पसीना है। और हम लोग चलने के लिए अब रेडी हो रहे हैं बाहर, कुछ एक दो टॉयज इनको लेंगे। और अरहम का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, हर एक चीज़ देखिए। हम नोटिंग की हो रही है, अब हम लोग चल रहे हैं, निकल रहे हैं। और अभी इनके लिए एक दो टॉयज देखते हैं, मिलता है सही से तो लेंगे, नहीं तो हम लोग घर चलेंगे। अब मिलते हैं आपसे घर पे। तो फाइनली हम लोग घर आ गए, का आधा घंटा पहले ही घर आ गए थे, मतलब 6:40 पर हम लोग घर आ गए थे। और बहुत ज़्यादा हमने माशाल्लाह से खेला फन किया, और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी दिन बाद, मतलब लॉकडाउन जब से लगा था यार कहीं जाना आना ही बेकार हो गया, तो हम लोग भी बहुत दिन के बाद से गए, तो हमें भी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। और मेरा ये नया फ़ोन था तो मैंने कहा कि छोटा सा व्लॉग तो भाई बनता ही है, और ये तो सबसे अच्छा स्टार्टिंग था मेरे ख्याल से। तो 2-3 दिन से तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन आज माशाल्लाह काफ़ी आराम है, बहुत आराम है, लगभग तो पूरी तरह ठीक ही है। और अभी 7:10 हुआ है, तो अभी आफ्ताब को आने में आधे घंटा लग जाएगा। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कपड़ा जो कि फोल्ड करने को रह गया है, और गर्मी की इंतहा तो भाई साहब बे इंतहा, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी, मेरा तो पसीना एक सेकंड के लिए नहीं रुका। और हाँ आ रहे, और छत पे हल्की हल्की सी हवा लग रही है, तो मम्मी छत पे बैठी हैं, अरम भी छत पे, मैं भी छत पे जा रही थी, तो मैंने कहा पहले मैं बता दूँ, है ना। तो यार जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, व्लॉग अगर पसंद आया, तो मैं सोच रही हूँ ये छोटा सा व्लॉग सिर्फ आज के लिए, इतना छोटू सा व्लॉग, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में इंशाल्लाह कल, और नए व्लॉग के साथ में। और जो लोग अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन मिल सके आपको। हाय बिट्टू, हाय, घूमने गए थे आप पहले बता, अरे 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 पहले यहाँ आइए, आप घूमने गए थे आज घूमने गए थे, अच्छा लगा आपको, मजा आई थी, पहले बताइए। अरे हम आजकल बहुत ज्यादा बदमाशी करने लगे हैं, बे इंतहा बदमाशी इनकी हो गई है, और हर चीज के लिए गुस्सा, तो बाप रे बाप, बहुत खतरनाक वाला गुस्सा हो रहा है इनका। मतलब अभी तक तो ये होता था कि मेरा गुस्सा घर में सबसे ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है मेरा गुस्सा बहुत ही कम था भाई, बहुत ही सलीकेदार गुस्सा था। मम्मी हंस रही है ना, और हम का गुस्सा खतरनाक। तो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, अगर व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी आपको मिल जाएगी, shama.ansari30 इंस्टाग्राम आईडी, जिसपे की आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बस मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें अपना और अपने फैमिली का, मिलते हैं जल्दी।